आप सबका वापस स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं रिव्यू देने वाला हूँ मास गेनर पे, मसल ब्रेस का ये मास गेनर है। लेट मी शो यू गाइस। ओके, वैसे उल्टा ही दिखेगा। ओके, मेन मैं बताता हूँ क्या चीज़ है। अब गाइस, कई बार ये मास गेनर किस लिए होता है? वेट बढ़ाने के लिए। ये वो नहीं है बॉडी बिल्डिंग के लिए, ये है जैसे मान चलो कोई भी पतला बंदा है, ठीक है, अब उसे ना फूलना है तो क्या करेगा भाई, मासी ले गया। ये थोड़ा ना आते सबसे पहले वे का प्रोटीन खाना स्टार्ट कर दे, क्योंकि यार मेन चीज़ ये होता है, मेन चीज़ मानो कि कई बार ना कच्चा प्रोटीन तुम खा रहे हो या कोई भी चीज़ खा रहे हो तो यार हमारा पेट ना सही तरह डाइजेस्ट नहीं कर पाता, फिर लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो और लूज मोशन इतनी गंदी चीज़ होती है ना, क्योंकि ऐसे नहीं है कुछ मैं उस पर बोल रहा हूँ, लूज मोशन में मेन चीज़ होता है तुम्हारे 10 दिन की मेहनत वो एक दिन में खा जाएगा। वो 10 दिन का, 10 दिन जो तुमने रगड़ के कहीं भी मेहनत किया खाया होगा, वो एक बार में 10 दिन की मेहनत एक बार में एक ही दिन में तुम्हारी निकाल देगा सारी गांड से। मैं मजाक नहीं कर रहा, सच बात है। तो वही चीज़ होता है। तो मास गेनर लो, मेरी बात मानो। मसल ब्रेस का मैंने इसलिए लिया क्योंकि इंडियन कंपनी, ट्रस्ट करना चाहिए भाई। स्टार्टिंग में तो हमने भी ट्रस्ट शाओमी पे किया, MI की बात कर रहा हूँ, और आजकल देखो MI के फ़ोन बेकार नहीं होते, ठीक है, लिटिल फैक्ट है। तो ट्रस्ट करने वाली बात होती है, ट्रस्ट किया। और ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये मेरे दोस्त का ही मानो कि रूममेट का है, ये किसी का ही है। तो वो बंदा, उसने मेरे से पूछा कि आकाश क्या करना है। मैंने उसे बोल दिया कि भाई तू जिम जाता नहीं है, तू वर्कआउट करता नहीं है उतना, तो एक काम कर मास गेनर ले ले, सुबह शेक बना के 2 टाइम पी ले, एक सुबह पी ले एक रात को पी ले सोने से पहले। सोने से पहले मतलब थोड़ा सा मैं बोलता हूँ कि पुशअप्स मार ले, पर कुछ बंदे होते हैं डेडिकेशन भाई करने पर होना चाहिए। तो एक वही है, लोग है भैया, पेट बाहर आएगा, बात खत्म। अगर तुम मेहनत नहीं, मैं वैसे ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, पर मेन चीज़ हाँ रिव्यू। ये गाइस ये 3 किलो का डब्बा है, ठीक है, ये 3 किलो का डब्बा है। इसमें स्कूप आपको मिलेगा, 30 ग्राम का स्कूप होता है। 30 स्कूप का मतलब ये होता है आपको चम्मच से मिलेगी वो डालने के लिए, ठीक है, बात ख़त्म। और ये आपका पड़ा है 2300 में, और ये भी था अमेजोन से मैंने मंगाया था 2300-400 में, ऐसे कुछ भी था। तो मेन बात ये है, बंदा ले रहा है पहले से हेल्दी हो गया, झूठ नहीं बोलूँगा आपसे, कोई झूठ नहीं, बंदा पहले से हेल्दी हो गया, काफ़ी अच्छा हो गया है। मैं ये नहीं बोल रहा कि भैया सीधा फैल के मोटा हो गया, उसका बता रहा हूँ, उस बंदे का पहले वेट था 52 किलो, अब लड़का हो गया 58 से 60 के बीच में, और 3 किलो का डब्बा है तो 1.5 महीना चल ही रहा है। क्योंकि भाई बंदों में, अब जैसे हमारे में क्या होता है, हम रेगुलर अपना टाइम पर जो भी चीज़ होगा, हम जिम कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, हम टाइम पे खाते हैं, जो बंदा एक्सरसाइज ही नहीं करता उसको ये चीज़ याद करें, लौंडियाबाज होते, क्या कर सकते हैं ऐसे बंदे भाई, लौंडियाबाज गलत वर्ड बोल रहा हूँ, क्या करते हैं, हमारी किस्मत में तो है ही नहीं कुछ भी। पर मैं ची मानो, इट्स ऑल अबाउट डूइंग व्हाट यू लाइक, ठीक है। तो मैं ची मानो चॉकलेट फ्लेवर में आई है, हाँ मैं उन चीज़ों पर प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बट पर अच्छा है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, काफ़ी अच्छा है आपकी। इसमें थोड़ा सा मैं वेल से वैल्यू बता देता हूँ, न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ आपका। पर कंटेनर सर्विंग, पर कंटेनर 40, ओके, सर्विंग साइज 2 लेवल स्कूप 75 ग्राम, आपके एक स्कूप में हाँ वही 30 ही अप्रॉक्स, 30 से 75 यानी अप्रॉक्स 37 के करीब पे है आपके। इसमें कैलरी इतनी है 283 पर 75 ग्राम, और पर 100 ग्राम 378। एक गाइस एक चीज़ तो याद रखना, हाँ पहले बता दो इसको लेते कैसे हैं, हाँ किस लिए, क्योंकि कई बंदे होते हैं वो मेन यही पूछते हैं कि भाई लेते कैसे हैं। एक चीज़ जानो, दूध में ले लो, पानी में ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पानी ठंडा, दूध माइल्ड थोड़ा सा होना चाहिए, मतलब ज़्यादा वो नहीं, आराम से घुमाओ पी लो, चाहे तुम उसको मिक्सी में घुमा लो, तुम्हारी मर्जी है भाई, मैं उसमें मेरी तो मर्जी, अपना देसी है चम्मच से घुमा लो भाई, बेटर है, ठीक है ना, सबसे बेटर, आराम से लो। और लिटरली मान लो, अगर तुम्हें ना स्टार्टिंग करनी है ना किसी चीज़ में भाई, पतले से ग्रुप पर आए तो मेरी बात मानो, ये गवार की तरह मत सुनना किसी भी बात कि भाई वे लेते हैं, प्रोटीन खा लो, ये खा लो, सप्लीमेंट ले लो, एक बार फूल इतना मानो वो सप्लीमेंट फूल, क्योंकि फ़ायदा क्या, अगर तुम्हारे तुम्हें जिंदर महल देखा है ना, इंडिया का अपना पहलवान जो है अपना, मैं वैसे बेस ही नहीं कर रहा भाई बंदे की, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, पर मैं एक एग्जांपल यूज़ कर रहा हूँ कि उस बंदे की स्किन देखना थोड़ी सी अजीब सी लगती है, वो सप्लीमेंट का नतीजा होता है, मतलब सप्लीमेंट भी क्या स्टेरॉइड से होते हैं वो तो, पर लेटर मानो तुम्हारा स्किन का कलर चेंज हो जाएगा अगर तुम स्टार्टिंग से प्रोटीन का, पहले बॉडी को आदत डालो, पहले बॉडी को उसके लेवल पर लेकर आओ कि प्रोटीन तुम्हारा पचा सके, फिर उसका भाई जितना प्रोटीन लेना है लेना, कोई टेंशन नहीं हो, फिर उसका जितना प्रोटीन खाना खाओ। पर एक ही बात हर चीज़ के ऊपर आती है,
एफर्ट्स मेहनत अपनी डालना है भाई। तुम्हें एक चीज़ मान लो, अगर ये लेना स्टार्ट करते हो तो तुम्हें एक चीज़ ये भी दिमाग में होना चाहिए कि भाई मेहनत कर लो, क्यों मेरा तो वो बंदा कर नहीं रहा। पहले बता दो उसका आ गया वो पेट बाहर। अरे वो पहले वो चिल्लाते थे कि एप्स थे उस बंदे के, भाई होता ही है, जब बंदा पतला हुआ तो एप्स ही दिखते ही है, ठीक है ना। पर अब पेट हो गया उसका बाहर, अब वो बंदा कैसे अंदर करेगा अब वो जाने, और डबल मेहनत लगेगी। मैंने तो उसको कहा था मेहनत करे, तो भाई आप खुद से गलती ना, आप ले लीजिए मसल। हाँ एक चीज़ आपको बता दूँ, आपको कोई भी प्रोडक्ट मिलता है ना मसल बेस से, तो एक सेकेंड, वो मैंने शायद इस वाले से उस बंदे ने हटा दिया, आपके इस ढक्कन के अंदर में, ठीक है ना, आपको चेक करने के लिए, ठीक है, ताकि प्रूफ करने के कि ये ओरिजिनल है या नहीं, क्योंकि कई बार बाहर में ना लोकल भी आते, भैया डब्बे के अंदर कुछ भी भर देंगे क्या पता चलेगा। तो ओपन करो आप इसका जार, ठीक है, जार के अंदर ना स्टिकर लगा होगा, उसको SMS करके चेक कर लो कि भैया ये असली है नहीं, बात खत्म, परफेक्ट, पता चल जाएगा असली है। और ये मत सोचो भैया ऑनलाइन गड़बड़ आती नहीं, हाँ अगर ज़्यादा अमेजोन से प्रॉब्लम है तो हेल्प कार्ट से मंगा लो बेटर, और ज़्यादा उससे प्रॉब्लम है तो भैया दुकान से ले लो उस पर भी बेटर है। पर इतना जान लो दुकान में फिर सही जाना, तो दुकान भी भाई ऑनलाइन में ये होता है ना कि तुम्हारा अगर मान लो चलो तुम्हें कुछ होता है तुम वो बंदे हैं, पर दुकान वाले में एक चीज़ मान लो, दुकान वाले क्या गारंटी लोगे तुम्हारा क्या कर गया हो, कुछ गड़बड़ हो गया या कुछ हो गया, वो बंदा अगली बार दुकान है ही नहीं, अमेजोन तो कहीं नहीं भागेगी, हेल्थ कार्ड तो कहीं नहीं भागेगी, वो तो वही रहेगी। मैं वैसे बोल रहा हूँ, मेरी भी थिंकिंग गलत ही है, मैं नहीं बोल सकता आपके हिसाब पे, आपके पास कई वो होंगे, पर मैं एज अ अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू कैन, एंड गाइज मैं बोलूँगा ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं गाइज। अब वीडियो के लिए वेट करना, अभी बहुत डालूंगा एप्स पर डालूंगा ये सब डालूंगा, क्योंकि डालने में यूट्यूब पर डालने से फ़ायदा होता है कि मेरा भी एक वर्कआउट हो रहा है, मैं भी करूँगा, मैं भी शेप में आऊँगा अच्छा खासा, बेटर मज़ा आएगा यार आप सबके साथ करने में, मुझे भी मज़ा आएगा। ओके गाइज, पीस आउट, थैंक यू गाइज।